नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। इस बार देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। चारों तरफ उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने तरीके से आजादी के इस जश्न में शामिल है। इसी उत्साह को और बढ़ाने और आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए राजधानी दिल्ली में वंचित परिवार के बच्चों के लिए एक खास आयोजन किया गया। आजादी के मायने क्या हैं और इसे पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, इसी को बताने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली के मान टूर्स ने इन बच्चों के लिए खास इंतजाम करते हुए इनके साथ आजादी का जश्न मनाया। इस मौके पर 100 बच्चों को तिरंगे के साथ दिल्ली दर्शन कराए गए। बच्चों की ये विशेष रैली अद्भुत भारत की शुरुआत सुबह 9 बजे नेहरू पार्क चाणक्यपुरी से हुई और फिर कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, राजघाट, लाल किला, इंडिया गेट और संसद भवन को इन बच्चों को दिखाया गया। बच्चों के लिए किए गए इस आयोजन का मकसद ये भी था कि जिस तरह से कोरोना काल में बच्चों को खुलकर अपनी गतिविधियां करने का मौका नहीं मिला, वो उस दौर से कुछ हद तक बाहर निकल सकें और देश के इतिहास को जानने के साथ साथ एक मस्ती का माहौल भी उन्हें मिले। इससे इन बच्चों में एक सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी और बचपन की इन यादों को भविष्य के लिए सहजने का मौका भी मिलेगा। आजादी के जश्न के इस मौके पर मान टूर्स ने लोगों को अतुल्य भारत की कला, संस्कृति, इतिहास और धरोहर से रूबरू कराने के लिए फ्रीडम रोड ट्रिप देखो अपना देश नाम से योजना की भी शुरुआत की है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और इसे कोविड के पहले वाले स्तर पर लाया जा सके, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।